एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्माकुर्मी व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक है। मम्मी है नहीं घर पे, अभी वो हो गई है, मामा जी गए। यहाँ मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट करते करते आ पहुंची हूँ किचन में फाइनली। अभी बज रहा है सुबह का 8:30। आज हस्बैंड थोड़ा लेट निकलेंगे तो उनका ब्रेकफास्ट भी लेट बनेगा। सुबह में जितना सारा काम था ना, हड़बड़ी में मैंने कम्प्लीट किया। और किचन का हाल देखो, डिजास्टर। पास्ता बनाते हुए ना थोड़ी सी डिजास्टर तो हो ही जाती है, ये तो आप लोगों को पता है। फिलहाल सुबह ना चाय मेरी ठीक से नहीं हुई। आज इतना जल्दी था ना मेरा पास्ता बनाते हुए लेट हो गया, मैं उठने में लेट कर दी। और होता है ना कि रात भर का, रात को 12-1 बजे तक काम करो तो हो जाता है। और एडिटिंग का ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि मैं का एग्जाम्स आने वाले हैं, उसको थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम देने पड़ रहा है। तो एडिटिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8-9 बजे के बाद से, मतलब डिनर विनर बना के, तो 12-1 ऐसे ही बच जा रहा है। तो सुबह आँख खोलने में लेट हो रही है, तो फटाफट वाली कुछ बनाऊंगी। और लंच बॉक्स रेसिपीज आप लोग इतना पसंद करते हो तो वो तो हक है आप लोगों का, लंच बॉक्स रेसिपीज इसलिए देती रहती हूँ। फिलहाल चलो फटाफट से ना हस्बैंड का कुछ ब्रेकफास्ट का इंतजाम करते हैं। रोटी सब्जी वो खाएंगे। देखती हूँ फ्रिज में कुछ सब्जी है, सब्जी वगैरह, तो उसी को ही ना बनाने की कोशिश करती हूँ। मतलब देखती हूँ फ्रिज में जो पड़ा हुआ है। करेला एवरी डे 2-3 दिन से बनाई थी, तो आज तो करेला नहीं बनाऊंगी। क्या सब्जी है देख लूँ, उसी हिसाब से बनाऊंगी। फ्रिज में जो भी सब्जी था लेके मैं पहुंच गई हूँ किचन में एक्चुअली, क्योंकि मुझे फटाफट से ब्रेकफास्ट बनानी है। आज ना लंच और ब्रेकफास्ट सोच रही हूँ साथ ही मैं बना लूँ, क्योंकि ना बहुत थकान हो जाती है। कुछ ब्रेकफास्ट बनाओ फिर लंच बनाओ, तो आज मैंने सोच लिया कि इतना सारा सब्जियाँ हैं तो मिक्स वेज बनाऊँगी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ी सी हेल्दी तरीके से बनाऊंगी ताकि जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग के लिए एकदम परफेक्ट हो। तो फिलहाल मैं देख लेती हूँ क्या क्या सब्जी आया हुआ है। बहुत सारा सब्जी था फ्रिज में। हस्बैंड को मना किए थे कि आप सब्जी मत लाना, क्योंकि अभी मैं इनको छोड़ के वो गया है मंडी, तो बस वहीं से लेके आएंगे। तो देखा जाए ये 3-4 दिन से ना फ्रिज में ही पड़ा हुआ था, तो सारे वेजिटेबल्स एक साथ मिक्स करके मैं एक सब्जी बना दूंगी। ये ना बहुत पॉपुलर सब्जी है मेरे घर में, सबको बहुत पसंद है, बहुत चटपटी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगता है, लेकिन लो ऑयल। मतलब होता है ना कि हेल्दी तरीके से आप बनाओ तो सही रहता है, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं। तो फिलहाल सारे सब्जियां कट कर लूँगी। एक्चुअली क्या है ना कि सुबह से आप अगर खड़ा होकर किचन में काम करते रहो ना, तो दोपहर के वक्त ना और कुछ बनाने का मन नहीं करता है। और मेरे ऊपर वाले किचन, मतलब इस वाले किचन में ना 11:30 के बाद से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है ना, तो लगता है कि आप बोलिए तो कि भाई और काम नहीं करेंगे, हमसे और हो नहीं रहा है। मतलब बारिश तो है, लेकिन बारिश का मौसम में भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ऊपर वाली, मतलब इस वाली किचन में, तो बहुत ही ना हैक्टिक हो जाता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो आज लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही मैं साथ साथ बना दूंगी, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी रहाई रहेगा। तो हस्बैंड आ गए इस बीच सारा सामान लेके, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी भी लेनी थी। कुछ कुछ सामान मतलब ख़त्म हो रखा था, वो सारे सामान हस्बैंड को बोल दिए थे, तो वो आते वक्त लेके आए और फिर से वो सब्जी उठा के लाए बहुत सारा। मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाया, मतलब वो लाए हैं। हस्बैंड का ना एक चीज़ बहुत अच्छा है कि कुछ भी सब्जी लाके ना ऐसे ही मतलब छोड़ नहीं देते टेबल पे, उसको प्रॉपर निकाल के एक एक करके वो सजा सजा के रखते हैं, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो।
फटाफट से जो सब्जी वाली बैग होती है या प्लास्टिक्स ला के उसके अंदर एक एक करके सब्जी डाल के मैं फ्रिज में डाल दूँ। कभी कभी तो वो ये भी करते हैं कि ये सारे सब्जी ना देखते हैं कि बहुत देर तक मैं किचन में काम कर रही हूँ, 10-11 बजे तक पड़ा हुआ है, तो वो अगर घर पे रहते हैं तो वो सब्जी वो उठा के फ्रिज में भी रख देते हैं। ये उनका ना बहुत मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है, बहुत कराते हैं। तो फिलहाल सब्जी वहीं पर वैसे ही छोड़ के मैं आ गई किचन में, क्योंकि बाकी सारा कटिंग चॉपिंग मुझे कंप्लीट करनी थी, क्योंकि हस्बैंड को निकलना है। वो मुझे बोल ही दिए कि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी निकलना है। हो गया है क्या ब्रेकफास्ट? मैं बोली नहीं, थोड़ा सा वेट कर जाइए, इंतजार कर जाइए, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ फटाफट से। तो इसीलिए कटिंग चॉपिंग कर ली और साइड बाय साइड ना वो बोले थोड़ा सा चाय पिला देने। तो होता है ना कि बाहर से आओ, हम लोग का घर में ना इस टाइम पे मतलब मैं को स्कूल से छोड़ के आने के बाद में इस टाइम से ना थोड़ी सी हम लोग चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह से इतना भाग दौड़ रहता है। कल वाली व्लॉग आप लोगों ने देखे ही होंगे, वो इसी व्लॉग का सुबह का हिस्सा था। वो मैंने कितना भाग दौड़ में गुजारे हैं ना, बिताए हैं ना, वो कल वाली व्लॉग देखने से आप लोगों को पता चलेगी। तो बस उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। सुबह से इतना भागी हूँ, और उसी वाली व्लॉग में सुबह में मैंने पास्ता बनाई थी, मतलब इस व्लॉग का सुबह में मैंने पास्ता बनाई थी फटाफट वाली, लेकिन सब्जी वाली बहुत ही अच्छा। तो फिलहाल यहाँ पे चाय, देखिए बातें शाते करते करते मेरी चाय हो गई है रेडी। तो चलिए मतलब फटाक से चाय पीते हैं। आज मैं भी ब्लैक टी पी लूंगी, कौन दूध डालेगा फिर बनाएगा, मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। एकदम होता है ना कि कभी कभी आप सुबह से बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने का चक्कर में ना अपना मतलब तबीयत ही थोड़ी सी मतलब नहीं लेता है, अच्छा नहीं लगता है। तब मन करता है ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। एनीवेज चलिए, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट कम लंच दोनों साथ में, सब्जी बना रही हूँ। अच्छा बाय द वे, मुझे किसी ने ना ब्रांड पूछा था कौन सा ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ मतलब कुकिंग में, राइस ब्रैन ऑयल। अभी सफोला गोल्ड नहीं करती हूँ, पहले करती थी, अभी राइस ब्रैन ऑयल बस इसमें डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होते ही सूखी हुई लाल मिर्च पाउडर, तो सॉरी पाउडर मैं क्या बोल रही हूँ, सूखी हुई साबुत वाली लाल मिर्च, थोड़ी सी पंचफोरन ऐड किया, उसके साथ हरी मिर्च मैंने ऐड ऑन किया, और बस इसको थोड़ी सी स्टर देना है ताकि ये ना चटकने लगे, जो चटकपन आता है ना थोड़ा सा वही। अब चलिए ये सारे काम हो गया। अब ये जो सब्जी मैंने कट करके रखी थी ये सारी सब्जी इकट्ठे मिला देना है, थोड़ी सी तो मिक्स देना है इसको, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भूनना या फिर फ्राई करना ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वे में सब्जी है। इसको सिर्फ और सिर्फ अब स्टर दे दीजिए, थोड़ी सी मिक्स कर दीजिए, ऑयल कोटेड हो जाए, उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप चाहो तो जीरा धनिया भी ऐड कर सकते हो। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वाली सब्जी ना सिर्फ हल्दी मिर्ची का ही बनाऊंगी मैं, और हाँ ऑब्वियसली जिंजर गार्लिक तो डालूंगी, और टाइम नहीं था गार्लिक कूटने का, तो बस इसमें रेडीमेड जो जिंजर गार्लिक पेस्ट आती है ना तो उसी का इस्तेमाल कर लिया मैंने यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स दे रही हूँ, बहुत अच्छे से, और ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। इसका इससे ना इसका मतलब स्वाद में तो नहीं, कलर में चेंजेस आ जाएंगे। तो बस दो टमाटर मैंने लिया है, इसको रफली बड़े बड़े मोटे मोटे चंक्स में कट करके सब्जी में डाल रही हूँ। ये तो मतलब अगर मुँह में किसी का आएगा तो वो निकाल देगा, यही रीजन है इतना बड़े बड़े सब्जी डालने का। तो बस थोड़ी सी ना इसमें धनिया के पाउडर मैंने ऐड किया है, और इसको ना मिक्स दे रही हूँ बहुत अच्छा से, ताकि ये सारे मसाले इसमें कोटेड हो जाए। फाइनली इसमें पानी ऐड करना ही है, तो चलिए ये थोड़ी सी मिक्स कर लिया मैंने, अब इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी आप जितना मर्जी ऐड करो, आप रोटी के साथ खा रहे हो तो सूखी वाली बनाओ, आप अगर चावल के साथ खाना चाहते हो तो तरी वाला बनाओ, तो वाटर कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हम अपने हिसाब से एडजस्ट किए हैं। अब इसको ढक के लीड लगा के 15 से 20 मिनट पकानी है स्लो फ्लेम में। जब तक ये पक रही है मेरी सब्जी, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी समेट रही हूँ किचन, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ, तो फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी।
तो बस ब्रेकफास्ट मेरा डन हो जाएगा, रोटी सब्जी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारे किचन एकदम फैल गया था, उसको मैंने समेटा और स्लैब को एक बार पोछा लगा लिया। तो क्या होता है ना कि स्लैब भी थोड़ी सी क्लीन हो जाती है, काम करने में ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर मतलब क्लीन किचन रहे तो। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार, और इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती मैंने यहाँ पे कट करके रखी थी, तो बस उसको मैं ऐड कर दूंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। थोड़ी देर इसको रेस्ट कराती हूँ हाँ, और उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये वाली सब्जी देखने में कैसा लग रहा है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी रोटियां बनके हो गई है तैयार, लुक एट दिस। ज्यादा है, रात के लिए बना लिया। रात को मैं रोटी खाती हूँ, हस्बैंड भी कभी कभी ओट्स खा लेते हैं, तो मेरा 2-3 रोटी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो सही है। चलो अच्छा, यहाँ पे धनिया की पत्ती है। फिर आप लोग बोलोगे कि दी गंदा है, गंदा नहीं है, साफ प्लेट है, धनिया की पत्ती रखी हुई थी। चलो ये सब्जी कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना देखने में, सब्जी बहुत अच्छा बनती है। ये वाली मिक्स वेज ना मेरी फेवरेट है, सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं है, हस्बैंड का भी फेवरेट है ये वाला मिक्स वेज। इसमें ना ऑयल बहुत कम जाता है, मतलब पानी के ऊपर बनता है और हेल्दी भी होता है। जितना सारा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ उतना हेल्दी होता है। मुंह का हालत देख रहे हो, एकदम खराब मुंह का हालत हो गया, पसीना पसीना हालत खराब हो गया। अच्छा ये ऐसा मुंह का हालत है, फिर भी मुझे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे सवाल किए कि मुंह में सुबह सुबह मेकअप करती हो क्या आप। मैंने इसका जवाब दे दिया है गाइस, आपको लगता है इसका राज पता है क्या है? इसका राज एक ही है, ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स एवरी डे बेसिस में, नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार इतना सिंपल सिंपल खाना खाइए और लॉट्स ऑफ वाटर, पानी ज्यादा पीजिए, तो स्किन ऐसे ही ग्लो करेगा। एनीवेज चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट निकालती हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है, फिर लेट हो जानी है। तो जी हस्बैंड निकले हुए थे कोई काम से, फिर आ गए वो घर, ब्रेकफास्ट करके वो जाएंगे जिम। तो चलिए उनका ब्रेकफास्ट निकाल लेती हूँ मैं, तब तक वो क्या कर रहे हैं देखूँ। तो बाहर दोस्तों ये है हम लोगों की ब्रेकफास्ट, एक्चुअली ये मेरा ब्रेकफास्ट है और फुल ऑफ मिल्क टाइप्स। सुबह पास्ता बनाई थी ना, तो ये पास्ता बचा हुआ है, तो ये पास्ता है और थोड़ी सी और खीरा है बहुत सारा, एक रोटी है और जो अभी मिक्स वेज बनाई थी सब्जी वो है। तो ये है हम लोगों की आज की ब्रेकफास्ट, मतलब ये मेरा ब्रेकफास्ट है, हस्बैंड तो पास्ता खाते नहीं है। तो अब बोल रहे थे ना कि हेल्दी, ये मतलब फुल मिल टाइप्स है, मतलब ब्रेकफास्ट खाने से बहुत देर तक आपका मतलब भूख नहीं लगेगा, लेकिन पूरा हेल्दी है। हाँ ये आप बोल सकते हो क्योंकि ये बचा हुआ था ये, और तो क्या करेंगे, तो इसीलिए। तो फिलहाल चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और जी ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जो ग्रॉसरी आया हुआ था, हस्बैंड तो निकल गए जिम के लिए, तो मैं ये सारी चीज़ समेटने लगी हूँ। अभी फटाफट से समेट लूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो बाद के लिए पड़ा रहेगा। और लंच तो मेरी बनी चुकी है, थोड़ी सी चावल बना लूँगी, दाल बना लूँगी। एक्चुअली दाल चावल में चढ़ा के ही आ गई थी यहाँ पे, तो सब्जी तो बनी हुई है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे और आटा जो है मैंने अपना जगह पे सेटल डाउन कर दिया है, और अभी बाकी सारे सामानों की लिस्ट है। और ये मैं होली जैसे इतना सारा मतलब वेस्टेज सामान निकल रहा था इसमें से, कब रखी थी क्या रखी थी वही मैं देख रही हूँ। बहुत सारा सामान निकला हुआ है, उसी में ही मतलब उसी में ही था, इतना सारा सामान था, तो उसको एक प्लास्टिक में अलग से रख रही हूँ, और अंदर गंदा भी था, तो उसको पोंछ के अच्छा से, तो इसमें कुछ कुछ सामान आ जाएगा मेरा। तो बस ये सामान मैं यहाँ पे ही डालूंगी ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, मतलब ये सारे डब्बे ना हाथ के सामने रहते हैं, तो कभी भी कुछ भी निकाल लो तो सही रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे सारे डब्बे जो है एक दूसरे से मैं देख रही हूँ कि क्या है नहीं है। तो फिलहाल बाकी का जो काम है तो वो मैं करूंगी, क्योंकि सारे डब्बे में ना बहुत सारा वेस्टेज था, वो सारे मुझे डिस्कट करना पड़ा। तो बस डिस्कट किया मैंने, और वो करते करते इतना ज्यादा मेरा लेट हो गया था, मैं काम स्टार्ट की थी 10:30 बजे से, और मेरा काम करते करते पूरी तरह से बज गया देर, मतलब इतना ज्यादा
हैट्रिक वाला दिन था ना आज, मैं क्या ही बताऊँ। जिस दिन ग्रॉसरी आ जाती है ना घर में, उस दिन बहुत ही हैट्रिक हो जाता है, ट्रस्ट मी, बहुत ही हैट्रिक हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे सारे सामान जो है ग्रॉसरी के, वो सारे सामान मैंने इकट्ठा कर दिए हैं, दोनों ही डब्बों में है। तो बस ये दोनों को ले जाके रखना है अपना जगह पे, तो बस जगह पे अभी सेटल डाउन कर दिया है। और डाइनिंग टेबल के ऊपर जो जितना सारा सब्जी वगैरह पड़ा हुआ है, ये सारे अलग अलग करके मैं एक मतलब फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, क्योंकि इतना सारा सब्जी तो अभी लगेगा नहीं, ऑलमोस्ट सब्जी बन चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सारे ग्रॉसरीज को क्लीन कर दिया, और यहाँ पे जितने सारे सब्जी आया हुआ था, तो सारे सब्जी को भी अभी क्लीन करना है, फ्रिज में ढुकाना है। तो चलो सारे सब्जी को फ्रिज में ढुका देती हूँ, तो मेरा डाइनिंग टेबल भी क्लीन एंड टिप टॉप हो जाएगा, नहीं तो डाइनिंग टेबल भी बहुत गंदा हो जाता है। तो बस मतलब मुझे ना एक प्रॉब्लम है कि गंदा चीज़ देखने से ही ना मुझे लगता है कि चलो फटाफट से इसको साफ कर दे, तो बस वही चीज़ मैं कर रही हूँ। यहाँ पे दाल चावल तो चढ़ा चुकी हूँ, सब्जी मेरी बन चुकी है, तो खाने का कोई टेंशन उतना है नहीं, तो ये सारा सामान मैं समेट लूँ। तो वही सोच थी मेरी, जितना जल्दी हो सके ये सारा काम समेट लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मन कर रहा था। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर दूंगी, ये देखिए कितना गंदगी था, तो सारे डाइनिंग टेबल ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है अच्छी खासी। तो चलो डाइनिंग टेबल क्लीन कर लिया है, अब और कुछ नहीं करना है, करना तो है, काम ख़त्म थोड़ी होते हैं। ये जो बर्तन है इसको जगह पर सेट करूँ, क्योंकि थोड़ी देर में डिश वॉशर लगाई थी सुबह में, थोड़ी देर पहले, तो बस वो डिश वॉशर का सारे बर्तन खाली होगा, तो यही वाला बास्केट में आके जुटेगा। तो बस पहले से ये वाला बास्केट मेरी खाली होनी चाहिए, और सारे टिफिन बॉक्स इसी में ही रखा हुआ था, और इसी में से ही अभी निकल रहा है, लुक एट दिस, सारे बॉक्सेस यहीं से निकल रहा है। तो चलो सारे बॉक्स मैं जगह पे सेटल डाउन कर दूंगी, और मेरा ये बर्तन का जो बास्केट है उसको जल्दी खाली करूंगी। तो बस आज का व्लॉग इतना सा ही। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ फॉर्मा कुर्मी ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।